थाना किसनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पुत्र के दफन हुए शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद इस महिला का नाम पूनम पत्नी मोहर सिंह निवासी नगला मगंद थाना किसनी है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने बताया है कि उसके पुत्र राज जिसको 24 जुलाई के दिन विपक्षी और ओसान सिंह पुत्र विश्राम सिंह रूपी पत्नी ओसान सिंह विश्राम सिंह पुत्र हुपलाल देव की पत्नी विश्राम सिंह द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे फांसी दर्शाते हुए सबके सामने पेश किया गया था। इसके बाद आनंद फानंद में उसके शव को जमीन में दफना दिया गया था। पीड़ित को जब ज्ञात हुआ तो पीड़िता ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया जिसमें थाने पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। अब पीड़िता चाहती है कि उसके मृतक पुत्र जो जमीन दोज किया गया है उसके शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया जाए जिससे पूरे मामले की हकीकत सामने आए। पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र में और क्या कुछ बताया है यह जरा आप ही सुनिए। एसपी कार्यालय आई है, क्या शिकायत आपकी? मुझे बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, वो पोस्टमार्टम कर बच्चा कब खत्म हुआ था? 24 जुलाई कैसे हुआ था? दादी दादा और चाचा चाची ने गला दबा के मार दिया। शिकायत करी थी आपने कोई? की थी थाने में तो डेढ़ महीने तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, फिर मैंने यहाँ से कचहरी से केस डाला।